स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल फिजिक्स में। और जो अपना लेसन चल रहा था सोलवा लेसन अर्धचालक युक्तियाँ और एनसीईआरटी बोर्ड के अकॉर्डिंग देखे तो अपना चौदवा लेसन, तो इस बार देखो अगर फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें कि अगर एग्जामिनर की चॉइस ट्रांजिस्टर पर किसी क्वेश्चन की हो तो एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में यानी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में एक ऐसा पॉइंट भी आपके बड़े क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो पॉइंट है ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में। तो अब देखो यहां दो पहले सिंपल परिभाषाएं बनती है। तो यहां देखो आपके सामने एक ब्लॉक आरेख बना हुआ है जिसमें यह दिया हुआ है कि आप एक इनपुट सिग्नल यानी एक निवेशी संकेत यहां दोगे और आपको एक आउटपुट सिग्नल यानी निर्गत संकेत आपको मिलेगा और बीच में आपने लगा रखा है एक एम्पलीफायर प्रवर्धक। ठीक है, तो देखो यहाँ उल्टा है। दैनिक जीवन में एम्पलीफायर ये नाम हम जानते हैं और प्रवर्धक अगर ऐसा नाम लिखा हुआ हो तो ये नाम अपने जनरली चलन में नहीं है। तो आप जैसे मोबाइल पर जनरली बात करते हो तो स्पीकर पर जो भी आपको संकेत मिलते हैं वो पहले किसी एम्पलीफायर से गुजारे हुए सिग्नल होते हैं, इसीलिए आपको आवाज़ थोड़ी सी तेज सुनाई देती है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपको एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक की परिभाषा पूछी जाए तो प्रवर्धक के बारे में आप इस प्रकार से बताओगे कि प्रवर्धक क्या है। तो प्रवर्धक एम्पलीफायर एक ऐसी युक्ति है जो किसी निवेशी संकेत के आयाम को बढ़ा देती है। ठीक है, यानी जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है आयाम है उसको ये यहाँ पर इंक्रीज कर देगी। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई भी तरंग है तो उसमें आयाम के साथ आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जो संकेत है तो संकेत की जो आवृत्ति है और आकृति है इसमें यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो सेफ है और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो नो चेंज सेफ एंड फ्रीक्वेंसी यानी केवल और केवल एम्पलीट्यूड यानी आयाम में ही चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर प्रवर्धक एम्पलीफायर की परिभाषा आपको लिखनी हो तो ऐसी युक्ति जो किसी भी निवेशी संकेत के आयाम को बढ़ा देती है, आकृति और आवृत्ति इनके मान को नियत रखती है। और इस प्रोसीजर को आप क्या बोलते हो, तो इस प्रोसीजर को आप बोलते हो एम्पलीफिकेशन, प्रवर्धन। तो ऐसा नाम भी आपको कई बार पूछा जाता है कि प्रवर्धन क्या है, तो प्रवर्धन यहां एम्पलीफिकेशन। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इसी प्रोसीजर को वापस रिपीट करोगे कि वह प्रक्रिया यानी ऐसी प्रोसीजर जिसमें किसी भी संकेत की आवृत्ति और आकृति को नियत रखते हुए उसके आयाम को बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसी प्रोसीजर को आप बोलते हो यहाँ पर प्रवर्धन। ऐसी युक्ति जो ये कार्य करती है वो प्रवर्धक और ये प्रक्रिया कहलाती है प्रवर्धन। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। अब यहाँ पर जो आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है तो अपन क्या है कि अलग से डिस्कस ना करके उस पॉइंट की डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपने पीछे वाले वीडियो में ऐसा देख लिया है, पूरा ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ लिया कि ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल हैं। पहला टर्मिनल है इमिटर उत्सर्जक, दूसरा टर्मिनल है आधार बेस और तीसरा टर्मिनल है संग्राहक कलेक्टर। लेकिन जब आप किसी ट्रांजिस्टर को परिपथ में प्रयुक्त करते हो तो आपको वहाँ क्या करना होगा, तो आपको वहाँ टर्मिनलों की संख्या लेनी पड़ेगी कंप्लीटली चार। तो यहाँ तीन टर्मिनल ट्रांजिस्टर में होते हैं तो आप चौथा टर्मिनल कहाँ से लाओगे। तो चौथे टर्मिनल के लिए क्या किया जाता है
कि ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनलों में किसी एक टर्मिनल को अपन उभयनिष्ठ कर लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। तो यहां ट्वेल्थ में अपने केवल और केवल अगर एनसीईआरटी की कंडीशन देखें तो वहां एक ही डेरिवेशन है जिसमें कॉमन किया गया है इमिटर को, उत्सर्जक को। और यहां आरबीएससी बोर्ड में भी आपके एक ही डेरिवेशन दिया गया जिसमें कॉमन किया गया है इमिटर को। हालांकि ट्रांजिस्टर में इस बार आपके बेस वाला पॉइंट और है, लेकिन वो क्वेश्चन लगातार दो सालों से पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने भी वो क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं बताया, क्योंकि अपन केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही चर्चा कर रहे हैं। तो यहां जो पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, ऐसा भी पूरा नाम आपको मिल सकता है। हालांकि जो प्रवर्धक है वो ट्रांजिस्टर से ही बना हुआ है, तो जरूरी भी नहीं है कि ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है। तो आपको इस हिसाब से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहां पर जैसे आपने पीछे वाले वीडियो में ऐसा पढ़ रखा है कि ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के हैं, पीएनपी भी होता है और एनपीएन भी होता है, तो हो सकता है आपको वो पीएनपी का सर्किट पूछे और हो सकता है आपको वो एनपीएन का सर्किट पूछे, ये उसकी खुद की चॉइस है। तो अब देखिए, परिभाषा आपने अलग से देख ली। अब अगर आपको चार नंबर, हालांकि यहां पर तीन नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाना है आपको, ये तीन नंबर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आपको मैंने पीछे वाले वीडियो में बता दिया है, दिष्टकारी के रूप में रेक्टिफायर, और एक यहां पर जो ट्रांजिस्टर का अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है तो अपना एम्पलीफायर पर है। तो यहां देखो, पहले सबसे सिंपल काम तो है यहां पर कि आपको सर्किट बनाना है। तो ट्रांजिस्टर का जो परिपथ संकेत है वो मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिया, लेकिन इस बार संकेत को थोड़ा सा आप घुमाकर बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उभयनिष्ठ यानी कॉमन करना है किसको, इमिटर को। तो ये आपका इमिटर वाला टर्मिनल है और इमिटर के जस्ट अपोजिट में जो टर्मिनल है वो यहां पर कलेक्टर वाला है, और बीच में जो बना हुआ है ये यहां पर है बेस आधार वाला। तो देखो, कॉमन का मतलब ये आपने इसको दोनों तरफ काउंट कर लिया, यानी ये टर्मिनल इधर भी है इधर भी है, निवेशी में भी है इनपुट वाले में और निर्गत वाले में भी है। तो यहां देखो टोटल टर्मिनलों की संख्या हो गई अब 4। तो यहां पर आपको सिंपल सा डायग्राम ही बनाना है कि पहले जो निवेशी टर्मिनल है इसमें तो आपको यहां पर प्रत्यावर्ती संकेत लगाना है, जो आप यहां पर निवेशी टर्मिनल के रूप में इनपुट करोगे। तो ये तो यहां पर आ गया आपका निवेशी संकेत, तो ये आप एक संकेत दिखाओगे जिसका ये आयाम कम है। अब यहां आपको लगानी है एक बैटरी, लेकिन उस बैटरी का कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये निर्भर करेगा कि आपको कौन सा ट्रांजिस्टर लेना है। आगे यहां भी आप क्या करोगे, केवल एक ऐसा भाग बनाओगे जिस पर आप निर्गत संकेत प्राप्त करते हो, यानी लोड प्रतिरोध, और यहां भी आपको बैटरी का सिग्नल जो बनाना है कौन सा भाग पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा वो जगह छोड़नी। अब यहां देखो, अगर आपसे कहा जाए कि आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना है, तो एनपीएन के लिए देखो आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी ये बता दिया कि अगर आपको ऐसी ट्रिक याद है कि एनपीएन के पहले एन का मतलब निकलना और पीएनपी के पहले पी का मतलब है प्रवेश, तो यहां देखो एनपीएन निकलना यानी आपको उत्सर्जक में से धारा निकलती हुई दिखानी है आईई, और उत्सर्जक में अगर धारा निकलती है तो आपको आधार में भी धारा को प्रवेश करता हुआ दिखाना है और संग्राहक में भी आपको धारा को प्रवेश करता हुआ दिखाना है। तो अब देखिए, दोनों तरफ जो ये बैटरी के टर्मिनल है ये बन जाएंगे। यहां देखो, ये जो धारा का भाग है, ये करंट वाला जो भाग है, वो जैसे इस टर्मिनल पर पहुंचेगा तो ये ऋण सिरा बन जाएगा और ऊपर वाला भाग यहां पर धन सिरा बन जाएगा। तो ये एक टर्मिनल आ गया, बैटरी का एक भाग बन गया, और इधर वाला है तो ये भी बन जाएगा ये माइनस और ये ऊपर वाला प्लस। तो इस तरीके से आप दोनों तरफ बैटरी के जो पार्ट है वो बना सकते हो। अगर वो आपको पीएनपी देता
तो आप इसी उत्सर्जक में धारा प्रवेश करते हुए दिखाते हैं, दोनों भागों में निकलती हुई दिखाते हैं, तो इस प्रकार से ये आपका सर्किट बन जाएगा। और सर्किट बनने का मतलब है आपका एक नंबर जो वन मार्क्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा एक यह इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि आपने जो संकेत इनपुट किया है यहाँ पर, जो निवेशित किया है, तो आउटपुट के रूप में आपको जब ये संकेत मिलेगा तो ये संकेत आपको थोड़ा इस प्रकार से मिलेगा। ये एक अलग पॉइंट है, आपको थोड़ा याद रखना है कि देखो कंप्लीटली इसकी जो कला है, जो फेज है, वो कंप्लीटली चेंज हो गया है यहाँ। तो कई बार आपको ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो ये कलांतर का मान है ये कितना होता है, तो आपको डायग्राम से पता चल रहा है कंप्लीटली जो पॉइंट है वो चेंज हो गया है, इसलिए आप बोलते हो 180 डिग्री का कलांतर होगा। अब यहां आपको देखना है कि इस प्रवर्धक, इस एम्पलीफायर से हमें बेनिफिट कहां हुआ। तो देखो बेनिफिट की बात ये करते हैं कि जैसे ही आप किसी संकेत को इसमें निवेशी करोगे, इनपुट करोगे, तो सबसे पहला जो लाभ है वो आपको करंट में होगा, धारा में होगा। तो आप उस पॉइंट को कहोगे धारा लाभ या फिर धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा लाभ या धारा प्रवर्धन गुणांक, ठीक है। तो ये यहां पर आ जाएगा आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन। तो यहां आपके सामने लाभ कब होगा, जब आप आउटपुट में इनपुट का भाग दोगे। तो इसका सिंपल सा पॉइंट बन जाएगा यहां कि निर्गत धारा में परिवर्तन, निर्गत धारा में परिवर्तन बटा निवेशी धारा में परिवर्तन, निवेशी धारा में परिवर्तन। अब आपको यहां पर देखना यह है कि निर्गत धारा क्या है। तो देखो आपका जो आउटपुट वाला संकेत आपको दिखाई दे ही रहा है, तो यहां इस सर्किट में जो धारा चल रही है उसको आप आउटपुट मानोगे, इधर वाले सर्किट में जो चल रही है उसको आप इनपुट मानोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये निर्गत है तो निर्गत में तो धारा इंटर करती हुई है, तो यहाँ इंटर से इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर जिस, यानी ये परिपथी आपने निर्गत मान लिया, तो इस परिपथ में जो भी धारा चलेगी उसको आपको आउटपुट धारा ही माननी पड़ेगी, चाहे उसकी डायरेक्शन कैसी भी हो। तो यहाँ आप फॉर्मूला लिखोगे कि निर्गत धारा में परिवर्तन, तो निर्गत धारा आपके सामने है कौन सी है, जो संग्राहक परिपथ में आई सी, और निवेशी कौन सी है, जो बेस वाले पॉइंट की है आई बी। अब आई सी और आई बी का जो अनुपातिक मान है जिसे आप धारा लाभ बोलते हो, तो आप इसे बीटा से दर्शाओगे, ये पॉइंट है यहां बीटा। तो ये तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब जो आपने ओम का नियम पढ़ रखा है कि V बराबर होता है I इंटू आर, यानी अगर आपको धारा में लाभ हुआ है तो सूत्र ये कहता है कि आपको वोल्टता में भी लाभ होगा। तो यही पॉइंट आपका वापस आ गया कि अगर आपको धारा में लाभ हुआ है तो आपको वोल्टेज में भी क्या होगा, गेन होगा, लाभ मिलेगा। तो आप इसी पॉइंट को लिखोगे वोल्टता लाभ या वोल्टता प्रवर्धन गुणांक, वोल्टता प्रवर्धन गुणांक, ठीक है। इसे अपन ए वी के निशान से यहां पर डिनोट कर सकते हैं, सेम सूत्र आ जाएगा। आपको कोई पॉइंट एक्स्ट्रा याद नहीं करना है, बस निर्गत धारा, निवेशी धारा, तो धारा करंट को यहां हटाओगे और आपको वोल्टता लिखनी है, बस सेम पॉइंट वापस आ जाएगा कि निर्गत वोल्टता में परिवर्तन, निर्गत वोल्टता में परिवर्तन बटा निवेशी वोल्टता में परिवर्तन, निर्गत वोल्टता में परिवर्तन बटा निवेशी वोल्टता में परिवर्तन, निवेशी वोल्टता में परिवर्तन। यानी आपका देखो ये सूत्र तो बड़ा होता जाएगा, लेकिन पॉइंट आपको ऐसा नहीं है कि भी अलग से याद करना है। इस पॉइंट को आप यहां पर ए वी से डिनोट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा यहां पर आपका वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब आप निर्गत वोल्टता यानी आउटपुट वोल्टता को दिखाओगे वी डॉट से, इनपुट को दिखाओगे वी आई से,
नियम आपके सामने ओम का जो लो है, तो ओम लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, यहां पर जो वी डॉट का मान है उसको आप आउटपुट की कंडीशन में लिखोगे, तो आउटपुट करंट यहां पर आईसी है, तो आप लिखोगे डेल्टा आईसी इंटू आरएल, और इनपुट करंट यहां पर आईबी है, तो निवेशी धारा यहां पर आईबी, और निवेशी प्रतिरोध आप यहां लिखोगे आरआई, क्योंकि जो वोल्टता का सूत्र है उसी के अकॉर्डिंग आपने मान लिख दिया, और ये मान आ गया एवी के इक्वल। अब डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईबी को आप बीटा बोल सकते हो, तो इसकी जगह तो आप लिखोगे बीटा इंटू मान आ जाएगा आर एल बटा आर आई। तो आप ऐसा बोल सकते हो अगर आपको थ्योरेटिकल पॉइंट लिखना हो कि जो वोल्टता लाभ का मान है वो किसके इक्वल है, तो वोल्टता लाभ बराबर आप लिख सकते हो धारा लाभ, क्योंकि बीटा का मतलब यहां धारा लाभ से है, तो धारा लाभ इंटू प्रतिरोध लाभ, तो इस प्रकार से ये पॉइंट आप लिख सकते हो। अब जस्ट आगे का पॉइंट अपन देखते हैं, मैं ये थोड़ा ऊपर लिखता हूं कि शक्ति बराबर सूत्र होता है वोल्टता इंटू धारा, यानी अगर आपको यहां पर करंट में भी गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, वोल्टेज का भी गेन हो रहा है यानी वोल्टता लाभ हो रहा है, तो दोनों के गुणनफल से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि फाइनली आपको शक्ति में लाभ हो रहा है। और आप एम्पलीफायर अपन जैसे जनरली दैनिक जीवन की बात करें तो अपन किसी भी साउंड की जो ये पावर है उसी को बढ़ाने के लिए अपन एम्पलीफायर काम में लेते हैं। जैसे अपन डीजे की बात करें तो उसमें अपन ऐसी कुछ मशीनें लगाते हैं जिसके द्वारा जो साउंड है उसकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो इसी पॉइंट को तीसरे पॉइंट की कंडीशन में अगर अपन लिखे तो फाइनली जो लाभ है वो होगा शक्ति में, तो ये आ जाएगा पावर गेन या फिर पावर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, शक्ति प्रवर्धन गुणांक, इसे अपन यहां पर एपी के चिन्ह से डिनोट करते हैं। अब देखो सेम सूत्र वापस लिखोगे पहले तो आप थ्योरेटिकल कि निर्गत धारा में परिवर्तन निवेशी धारा में परिवर्तन जैसा आपने लिखा है, तो सेम पॉइंट आप यहां लिखोगे कि निर्गत शक्ति में परिवर्तन बटा निवेशी शक्ति में परिवर्तन, तो निवेशी शक्ति में परिवर्तन, तो ये देखो आपने आउटपुट पावर लिख दी और ये इनपुट पावर लिख दी, ठीक है। अब शक्ति बराबर देखो सूत्र आपके सामने वोल्टता इंटू धारा, तो अगर आप आउटपुट की बात करते हो तो वोल्टता आप आउटपुट की लिखोगे और धारा भी आप आउटपुट की लिखोगे, लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि आउटपुट धारा की जब भी बात की जाए तो आईसी आपको लिखना है, वोल्टेज फिर आप इनपुट लिखोगे और धारा भी इनपुट, और इनपुट धारा में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आई बी वाला पॉइंट लिखना है। फिर वोल्टेज का जैसे फॉर्मूला आपने खोला था वोल्टता लाभ का, तो इसी फॉर्मूले को आप वापस यहाँ खोलिए, तो यहाँ आप लिखोगे डेल्टा आई सी इंटू आर एल, फिर लिखोगे डेल्टा आई बी इंटू आर आई, ये तो आपने वोल्टता का सूत्र लिखा है अभी। अब आपके सामने देखो अभी सेम पॉइंट वापस ऑलरेडी पहले से भी लिखे हैं, आई सी वाला भी लिखा हुआ है और आई बी वाला भी लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसी मान पर आप स्क्वायर करोगे, क्योंकि एक मान तो ये वोल्टेज में आ गया और एक मान इसमें आ गया। तो अब देखिए आप इस सूत्र के अकॉर्डिंग इस मान को डेल्टा आई सी बटा डेल्टा आई बी को आप बोलते हो बीटा, तो आप क्या करोगे इस मान को तो लिखोगे बीटा स्क्वायर और मान आ जाएगा आर एल बटा आर आई, ये यहां पर शक्ति लाभ है। तो कई बार आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्टली कई बार ये फॉर्मूला भी लिख दिया जाता है कि आप इस पॉइंट को सिद्ध कीजिए, तो इस पॉइंट को सिद्ध करने का मतलब है आपको फाइनली पॉइंट तो यहां से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, कि आप डायरेक्टली शक्ति लाभ को सिद्ध कर दो तो आपको पूरे मार्क 7 ही मिलेंगे, ठीक है। और एक बार ऐसा हो चुका है कि जैसे डायग्राम आपको ऐसा मिल गया, एम्पलीफायर नाम ही यहां से मिटा दिया और यहां पर बीच में लिख दिया एक्स, जो इनपुट सिग्नल है सेम ऐसा डायग्राम आपके सामने बना दिया और आउटपुट सिग्नल है यहां भी आपके सामने ऐसा डायग्राम बना दिया जिसमें केवल और केवल आयाम को बढ़ाया हुआ था, एम्पलीट्यूड को बढ़ाया हुआ था, तो आपको खुद को ही पहचानना पड़ेगा कि ऐसी युक्ति क्या है यहां पर, जो संकेत के आयाम को बढ़ा रही है वो यहां पर एम्पलीफायर है।
ठीक है। तो ये एक एम्पलीफायर का इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसमें आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। अगर आपको निवेशी संकेत और निर्गत संकेत के बीच में कलांतर पूछा जाए तो 180 डिग्री है। और एक अगर आप सर्किट की बात करो तो देखो, कोई भी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में तभी कार्य करता है जब उसकी उत्सर्जक आधार संधि अग्रबायसित और उत्सर्जक संग्राहक संधि उत्कर्म बायसित अवस्था में हो, तो ही एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, यानी किसी भी संकेत के आयाम को बढ़ा सकता है। तो अगर मान लो जैसे सर्किट के बारे में आपको कुछ पॉइंट लिखना है तो आप इसी के बारे में लिख सकते हो, भाई निवेशी संकेत परिपथ में आपने ये निवेशी धारा लगा रखी है, ये बैटरी प्रयुक्त कर रखी है। बाकी आपको जनरली परिपथ व्यवस्था नहीं पूछी जाती है। तो इस प्रकार से 3 नंबर के रूप में हम ये प्रश्न भी मान रहे हैं कि डायोड के रूप में पूछा जाए तो आपको, मैंने पीछे वाले वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको अच्छी तरह देखो, ठीक है। और कल हम एक तो लॉजिक गेट जहां से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आगे का जो 17वां लेसन है संचार वाला और NCERT में ये अलग से दिया हुआ आपको 10वां लेसन, तो उसके बारे में भी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।